ये अपने इतनी ज़िंदगी में करियर इतना इसने गुजार लिया है, इसको ये भी नहीं पता। मैंने हमेशा उन लोगों को कामयाब देखा है जो सवाल करते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं तो हम लिखते भी नहीं हैं, लिखते नहीं हैं तो किताबें वेस्ट की पढ़ा रहे होते हैं, कल्चर वेस्ट का पढ़ा रहे होते हैं। तो करना वो चाहिए जो आपके अंदर टैलेंट है, जो सलाहियत आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है। ज़िंदगी के अंदर हम लोग जो चीज़ हमें मोटिवेट करती है, दो तीन बड़े बेसिक से फैक्टर हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए हमारे अंदर एक तहरीक पैदा करती है। वो सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपने अपना मकसद आइडेंटिफाई कर लिया या नहीं किया ज़िंदगी के अंदर। और अगर आपने अपना मकसद आइडेंटिफाई नहीं किया तो ये ऐसे ही है, और मैं ये दावे से कहता हूँ कि आप में से शायद ही कोई ऐसा हो यहाँ पे जो किसी ऐसी गाड़ी में बैठा हो जिसके बारे में मालूम ही नहीं है कि वो गाड़ी कहाँ जा रही है। और दूसरी बात, हम में से काफ़ी ऐसे होंगे जो ज़िंदगी की गाड़ी पर ऐसे ही बैठे हुए हैं कि हमें पता नहीं है कि हमने कहाँ जाना है। तो हम सफ़र करने के लिए, एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए हम कभी रिस्क नहीं लेते। हम हमेशा पहले मालूम करते हैं हमें कहाँ जाना है, हमारी मंजिल क्या है, उसके बाद हम उस गाड़ी का इंतखाब करते हैं, उस गाड़ी में बैठते हैं। लेकिन आम ज़िंदगी के अंदर हम चलते चले जा रहे हैं बग़ैर किसी मकसद के, और अल्लाह ताला ने किसी जानदार बेजान चीज़ को मकसद के बग़ैर पैदा नहीं किया। आप लोग टीचर्स हैं, आप लोगों पर बड़ी अहम रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है कि अपने जो स्टूडेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा जो बच्चा होता है वो लर्न करता है, सीखता बच्चा है, क्योंकि वो सवाल बहुत करता है, वो छोटी छोटी बात पूछता है। समटाइम्स पेरेंट्स और टीचर्स शायद रिच भी हो रहे होते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उसकी लर्निंग उन्हीं सवालात से हो रही होती है। तो ये जो सवाल करने की आदत है, ये हम जो जो बड़े होते जाते हैं हम वो कम कर देते हैं, छोड़ देते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं, किसी में क्लासरूम में अगर बैठे हुए हैं तो शायद इसलिए कि हम दूसरे क्या कहेंगे, इसको इतनी बेसिक बात भी नहीं पता, ये अपने इतनी ज़िंदगी में करियर इतना इसने गुजार लिया है, इसको ये भी नहीं पता। मैंने हमेशा उन लोगों को कामयाब देखा है जो सवाल करते हैं और बग़ैर किसी झिझक के सवाल करते हैं। उस सवाल का मकसद किसी को जिज करना नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपको नहीं मालूम, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरी किसी बात पे आपको समझ नहीं आ रही, आपको फौरी तौर पे मुझे रोक के, मेरे से मुराद कोई भी है, उनको आप रोकें, उनसे बड़े बाइज्जत तरीके से उनसे इसकी क्लैरिटी दे दें, इस पर समझ नहीं आई। और कोशिश करें, होता क्या है हमारे यहाँ पे, आप लोग माशाल्लाह खुद जो है वो तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं, तो हमारी अपनी रिसर्च नहीं होती, हम क्योंकि खुद नहीं जानते इसलिए हम चुप करवा देते हैं, हम नो गो एरियाज बना देते हैं। जवाब हर चीज़ का है, लेकिन हम पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ते नहीं हैं तो हम लिखते भी नहीं हैं, लिखते नहीं हैं तो किताबें वेस्ट की पढ़ा रहे होते हैं, कल्चर वेस्ट का पढ़ा रहे होते हैं। वेस्ट के कल्चर का हमारे कल्चर से क्या ताल्लुक है? हम मैस्लो की हायरार्की पढ़ा रहे होते हैं, हम कहते हैं मैस्लो की हायरार्की अगर आप लोगों ने पढ़ी है तो हम कहते हैं कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, एक जब तक पूरी नहीं होती उस वक्त तक आप दूसरी के बारे में नहीं सोचते। और बेसिक नेसेसिटी वो कहते हैं कि खाना पीना आपका, हवा पानी, फिर वो कहते हैं आपका शेल्टर, फिर वो कहते हैं कि आपका आपका सोशल सर्कल, फिर वो कहते हैं आपका जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पाँचवें नंबर पे है, चौथे नंबर पे मेरे ज़हन से निकल रहा है अभी क्या चीज़ आती है, सेल्फ इस्टीम, सॉरी सेल्फ, थैंक यू सो मच। अच्छा, अब बतौर मुसलमान अगर मैं बात करूँ तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, मुझे रोटी मिल रही है, मुझे छत मिल रही है या नहीं मिल रही, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, बाकी चीज़ें उसके बाद है। तो वो चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं कि हमारे यहाँ पे किताबें नहीं हैं जो हमारे रिसर्चर्स ने, हमारे ऑथर्स ने लिखी हों। अब जब वो किताबें नहीं हैं तो हमने बच्चों को, बाकी लोगों को हमने चुप करवा देना है, ना 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 बेटा ये नहीं पूछना, ये तो गुनाहे कबीरा है ये सवाल करना, क्योंकि हमें मालूम नहीं है। तो सर पहले खुद पढ़ें और उसके बाद बच्चों को आप, और अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, टाइम ले लें कि मैं इस पर क्लियर नहीं हूँ, अगली क्लास में, अगली मीटिंग में, अगली बात में हम इसके ऊपर मज़ीद बात कर लेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर सवाल का जवाब आ, लेकिन गलत गाइड ना करें बच्चों को, कभी भी ऐसा ना करें कि आप उनको वो सिखा रहे हैं जो हकीकत नहीं है, क्योंकि आपको आता नहीं है, आप शर्मिंदा होते हैं कि मैं अब ये कैसे कहूँ, इसमें कोई शर्मिंदगी नहीं है, ये बड़ापन है आपका।
कि आप ये मान रहे हैं कि आपको नहीं आता, आप ये मान रहे हैं कि आप इस पे पढ़ के आएंगे और फिर आप बात करेंगे। तो सर ये सवाल सबसे पहले आपने अपने आप से करना है और उसका जवाब ढूंढने की कोशिश करनी है कि आपका मकसद क्या है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। दूसरी चीज जो आपको मोटिवेट करती है वो ये है, आपने पर्सनैलिटी टाइप पढ़ी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आई होगी कि अगर आप अपनी पर्सनैलिटी टाइप के मुताबिक आपका प्रोफेशन नहीं है तो फिर आप बेजार रहेंगे, फिर आपको आपका दिल काम में नहीं लगेगा, आप यानी करना कुछ और चाह रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। तो वो और ख़ासकर जिस शोबे के अंदर आप लोग हैं, ये जितना मुकद्दस शोबा है इसमें अगर आप कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं है, अगर अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग नहीं है, बच्चों को पढ़ाने के हवाले से आप जो है वो दिल से लगन से नहीं पढ़ा रहे, तो फिर इसका मतलब ये है कि उन बच्चों के साथ साथ आप इस मुल्क का मुस्तकबिल उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो करना वो चाहिए जो आपके अंदर टैलेंट है, जो सलाहियत आपको अल्लाह ताला ने दी हुई है उसके मुताबिक। मैं एक छोटा सा इस पर आपको वाक्य सुनाता हूँ कि एक शख्स जो है वो उसने एक अपनी जमा पूंजी से सोने की ईंट खरीद ली, वो सोने की ईंट उसने अपने खेत में जाके दबा दी और जब वो बार बार हर रोज़ जाता था और जाके वो खोद के देखता था, सेटिस्फाई होता था, दोबारा उसको दफन करके वापस आ जाता था। एक दिन उसका एक मुलाजिम था, वो काफ़ी दिनों से उसको देख रहा था कि ये रोज़ साफ जाते हैं, जाके खेत के अंदर कुछ खुदाई करते हैं, उसके बाद दोबारा मिट्टी बराबर करके वापस आ जाते हैं, तो माजरा क्या है। उन्होंने क्या किया कि वो उनकी गैर मौजूदगी में जो ईंट का मालिक था वो उनका मुलाजिम जाता है और वो ईंट जो है उस ईंट को वो निकालता है और निकालने के बाद वो लेके भाग जाता है। अब जब अगले दिन अपनी रूटीन के मुताबिक मालिक आता है, वो आके खोलता है, खोदता है ज़मीन, तो देखता है कि ईंट वहाँ पर मौजूद नहीं, रोना पीटना शुरू कर देता है, परेशान हो जाता है। अब जब वो परेशान हो जाता है तो अगली जो चीज़ आती है वो ये है कि खातून वहाँ से गुजरती है, पूछती है क्या माजरा है, क्यों इस तरह से परेशान हो। तो वो खातून को कहते हैं कि मेरी तो ज़िंदगी भर की जमा पूंजी थी वो सारी। तो उसने कहा इससे क्या फ़र्क पड़ता है, अपने जहन को समझाने वाली बात है, वो चीज़ जो जिसको यूटिलाइज़ करके तुम अपनी ज़िंदगी को शानदार बना सकते थे वो तो तुमने मिट्टी में दबा के रखी हुई थी, तो जहन को समझा लो कि वो अभी भी मिट्टी के अंदर दफन पड़ी हुई है। आपका टैलेंट वही सोने की ईंट है जिसको आपने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है और आप उसको यूटिलाइज़ करके अपनी ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं जो आपने नहीं बनाया। तो सर आप अपनी इस सोने की ईंट को खोजें, तलाश करें और उसको यूटिलाइज करके अपनी ज़िंदगी को शानदार बनाएं। हर इंसान में हर खूबी नहीं होती, हर इंसान में हर स्ट्रेंथ नहीं होती और हर इंसान में हर वीकनेस नहीं होती। ये एक मजबूत है इंसान खूबियों खामियों का। मेरे हो सकता है मुझे मैथ्स समझ ना आता हो लेकिन मैं बात अच्छी कर सकता हूँ, हो सकता है कि मुझे मैथ्स अच्छा समझ आता हो मैं बात अच्छी नहीं कर सकता हूँ। तो मुझे अपना जो प्रोफेशन है ये आपको समझाने और बताने का मकसद ये भी है कि आप लोग बहुत अहम लोग हैं, आप लोग असासा हैं हमारा, क्योंकि आपके हाथों में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है। ये बातें आपने उन बच्चों को बतानी है क्योंकि वो एज ग्रुप ऐसा है जिसके अंदर अगर आप उनके टैलेंट के मुताबिक उनको गाइड कर देंगे। हमारी बदकिस्मती क्या है, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क के अंदर करियर काउंसलिंग FSC के बाद शुरू होती है, यानी हम घर में आपस में कह देते हैं पेरेंट्स, मुझे नहीं पता मैं कितना पुराना हूँ, जितना पुराना हूँ उस ज़माने में तो इंजीनियरिंग और मेडिकल ही की बात होती थी, मुझे लगता है कि आज भी यही होता है, शायद बच्चों को आज भी यही कहा जाता है कि या डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो डॉक्टर बनना या इंजीनियर बनना ये कामयाबी की ज़मानत नहीं है। क्या आप मुझे इस बात की ज़मानत दे सकते हैं या आप मुझे मिसाल दे सकते हैं कि तमाम वो लोग जो डॉक्टर और इंजीनियर हैं वो कामयाब हैं? और क्या आप मुझे कोई ऐसा शख्स दिखा सकते हैं, आप ये कहें कि जी इसने क्योंकि मास्टर, हम MA को समझते हैं ना कि ये मास्टर्स किया हुआ है बस ठीक है, कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है। तो ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उसके बाद अपना कारोबार करते हैं और बड़ा शानदार करते हैं, ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो उसके बाद MPhil करते हैं, PhD करते हैं, रिसर्च करते हैं और उनके आर्टिकल्स, उनकी रिसर्च, उनकी चीज़ें जो हैं वो दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। तो ये अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है, इल्म हासिल करना मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, लेकिन ये नहीं कि आप कौन सा इल्म जो है वो हासिल कर रहे हैं, यानी आपने सिर्फ डॉक्टरेट की डिग्री करनी है, आपने सिर्फ इंजीनियरिंग ही करनी है। तो इस माइंडसेट को ख़त्म होना चाहिए क्योंकि आज से चंद साल पहले की अगर मैं बात करूँ तो आज से चंद साल पहले हमारे, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि हमारे यहाँ पे समझा ये जाता था
कि जिसने यूईटी से इंजीनियरिंग की हुई है वो दुनिया का कामयाब तरीन शख्स होगा, और आखिरी सेमेस्टर में जी नौकरियां यहाँ मिलती हैं, लोग आते हैं आके हायर करके ले जाते हैं। अच्छा, फिर हमने तो ये भी सुना हुआ था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में एक दफ़ा दाखिला हो जाए फिर मेहनत नहीं करनी पड़ती, और ये जिन्होंने इंजीनियरिंग या मेडिकल किया हुआ है ये उनसे पूछिए कि कितनी मेहनत करनी पड़ती है। और इसी तरीके से हमने फिर ये कहा कि अच्छा, जिसने किंग एडवर्ड से MBBS किया हुआ है वो कामयाब है, बस हमने टारगेट वो रख दिया। अब इस अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो एक सप्लाई एंड डिमांड कर्व होती है, वो मेंटेन ना हो तो पूरे मुल्क का निज़ाम बिगड़ जाता है। हस्पताल उतने नहीं हैं जितने डॉक्टर्स हैं, फैक्ट्रियां उतनी नहीं हैं जितने इंजीनियर्स हैं। अल्टीमेटली इसमें जब प्राइवेट सेक्टर आके शामिल होता है तो क्या होता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपके जो तालीमी इदारे हैं वो जगह जगह पे ऐसे तालीमी इदारे खुल गए जहाँ पे इंजीनियरिंग और डॉक्टरी की डिग्रियां आपको बांटना शुरू कर दी लोगों ने, इसलिए अब ये भी जमानत नहीं रही। फिर हमने कहा जी लम्स से MBA कर लें, इससे बड़ी तो कोई बात ही नहीं है। तो हमने फिर उसको भी ऐसा किया कि हर शख्स ने MBA करना शुरू कर दिया। फिर हमने कहा कि जी हामिद मीर की 35 लाख सैलरी है, मैसकॉम करते हैं सारे, हमारा पूरा मुल्क उस भेड़शाल का शिकार होके हमने मैसकॉम करना शुरू कर दिया, हमने मीडिया इंडस्ट्री भी तबाह कर दी। फिर हमने कहा कि जी अच्छा, ये 2000 की बात है, कोई हज़ारों की तादाद में अमेरिका को MSc IT इसके अंदर लोग रिक्वायर थे, तो MCS तो हर बंदे ने कहा जी MCS कर लेते हैं। इसी तरह से अब हम आजकल जो है वो अकाउंटेंसी चार्टर्ड अकाउंटेंट उसके पीछे पड़े हुए हैं, हम हर बंदा ये चाह रहा है कि हम ये कर लें क्योंकि इसमें तो बहुत है, और फिर अब आजकल उसके बाद हम टेक इंडस्ट्री के पीछे पड़े हुए हैं। तो सर ये ज़मानत नहीं है, ज़मानत ये है कि आपका जो टैलेंट है ना, जो आपका प्रोफेशन बने वो आपका पैशन हो। अगर पैशन और प्रोफेशन एक नहीं है तो फिर आप ज़िंदगी जी नहीं रहे, आप गुजार ही रहे हैं। तो अपने पैशन और प्रोफेशन को एक कीजिए और यही पैगाम बच्चों को दीजिए कि जो वो करना चाहते हैं, और बल्कि अगर आप इसके ऊपर पेरेंट्स को भी गाइड कर सकते हैं तो उनको भी गाइड कीजिए कि जो ये करना चाहते हैं इनको करने दें, ये इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और जो रिस्क के साथ हम इसको जोड़ देते हैं ना, रिस्क का तो ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ के साथ, वो तो नसीब किस्मत को सिर्फ दुआ तब्दील कर सकती है उसको, वो आप दुआ करें या आपके हक में दुआ हो, यानी लोग आपको दुआएं दें। उसके अलावा ये डिग्रीज तो ज़मानत नहीं है इस चीज़ की कि आपको इससे पैसे ज़्यादा मिलेंगे या आपको कम मिलेंगे। सर तीसरी और आखिरी चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जो शायद सबसे पहले है, कि आप जितनी भी मेहनत कर लें, आप जितनी भी डिग्रीज इकट्ठी कर लें, अगर अल्लाह ताला की ज़ात पे आपको तवक्कल नहीं है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो अल्लाह की ज़ात पे तवक्कल रखें। हर इंसान के खौफ होते हैं, हम जब सुबह उठते हैं तो हम सब के खौफ होते हैं, दिन के हवाले से, महीने के हवाले से, साल के हवाले से, ज़िंदगी के हवाले से। शाह साहब कहते हैं कि हम सुबह उठ के जब दुआ करते हैं तो फिर वो खौफ ख़त्म करके हम निकलते हैं अपने घर से। तो तवक्कल रखें अल्लाह ताला की ज़ात पे, जो भी कर रहे हैं आप, जिस तरह से भी कर रहे हैं, उसके ऊपर एक भरोसा अल्लाह की ज़ात पे आपको होना चाहिए जो आपको कामयाब करेगा। उसके बगैर मकसद भी आपका बेमानी है और उसके बगैर टैलेंट भी आपका बेमानी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना इन चीज़ों से। मैं आखिरी आपको इस पर मिसाल देता हूँ कि एक शख्स एक पहाड़ की चोटी से गिरता है, उसके हाथ में एक आ जाती है, शाख आ जाती है एक दरख्त की, रात का टाइम होता है, अब उसने पकड़ी हुई है, घंटा दो गुजरता है, परेशान होता है कि क्या करूँ मैं, तो नीचे गिर गया तो मर जाऊँगा। वो शख्स करता ये है कि दुआ करता है रब से कि मुझे इस मुश्किल से निकाल, मुझे किसी तरीके से यहाँ से जो है वो मैं बच जाऊँ, निकल जाऊँ। गैब से आवाज़ आती है, इस शाख को छोड़ दो। नहीं छोड़ता, दो चार घंटे गुजरते हैं, हाथ सुन हो गया, बुरे हालात हैं, दोबारा गिड़गिड़ा के दुआ करता है अल्लाह से। फिर गैब से आवाज़ आती है, फिर भी नहीं छोड़ता। सुबह जब हो जाती है, रोशनी होती है, नीचे देखता है तो 2 फुट का फासला होता है ज़मीन से, तवक्कुल नहीं किया उसने। तो हमारी ज़िंदगी में हमारी मंजिल बहुत दफ़ा सिर्फ 2 फुट के फासले पे होती है और हम अल्लाह पे तवक्कुल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से हम अपनी ज़िंदगी को परेशान कुन बना सकते हैं। मैं कासिम अली शाह साहब की तरफ से, कासिम अली शाह फाउंडेशन की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज जो कुछ आपने सीखा सिखाया होगा, इस सिलसिले को आप अपनी अपनी जगहों पर इंशाल्लाह इस पैगाम को, इन चीज़ों को सोसाइटी में सर्व करेंगे और ख़ासकर बच्चों की ग्रूमिंग के अंदर इन बातों का बहुत ख्याल रखेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।